कुछ मेरे फैंस मुझे देखने वाले हैं, बट इन अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट रोल, डिफरेंट शो. अभी तक कुछ ऐसा दिखा ही नहीं है लोगों को, लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी. इसीलिए बोल रहे हैं जो एक बार फर्स्ट एपिसोड पे बैठ गया ना देखने के लिए, वो यही बोलने वाला है बॉस सारे एपिसोड फॉलो करने. जब मुझे पता है कि मुझे ये प्ले करना है, मुझे उस लेवल तक लेके जाना है, जब मुझे पता है कि मुझे ये प्ले करना है, मुझे उस लेवल तक लेके जाना है. ओके, सो फर्स्टली पारुल, वेलकम टू IWM बस. बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस शो. थैंक यू. कितना एक्साइटमेंट है बिकॉज फाइनली फैंस आपको देखने वाले हैं स्क्रीन पे. आपको मेरे फेस से दिखा होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूं. या ऑफकोर्स मेरे फैंस मुझे देखने वाले हैं, बट इन अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट रोल, डिफरेंट शो, जो आज तक कभी टीवी पे आया नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं अनकही अनसुनी कहानी, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं. और उस लेवल का शो हमने बनाया है, उस लेवल की मेहनत की है ना कि लोग बोलने वाले हैं इसको बोलते हैं शो. यस यस यस. सो तो जैसे कि हमने देखा प्रोमो इज टू प्रॉमिसिंग, द VFX इज टू गुड, इफेक्ट्स आर टू गुड. सो हाउ वाज योर रिएक्शन जब आपने ऐसा देखा? मुझे पहले भाई जब मुझे ब्रीफ दिया गया था तो बोला गया था कि इंडस्ट्री का सबसे डिफरेंट शो होने वाला है ये. एंड इनफैक्ट जो हम VFX से लेके, ग्राफिक्स से लेके, जो हम कैमरा भी यूज़ करें, वो इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं हुआ. उस लेवल का शो होने वाला है कि लोग खुद देख के बोलेंगे कि अब तो पहली बार हम देख रहे हैं. तो मतलब ये देखा जाए तो एक चैलेंज है हम सबके लिए कि हम कुछ डिफरेंट दिखाने जा रहे हैं. और एक अच्छी बात यह है कि अभी तक कुछ ऐसा दिखा ही नहीं है लोगों को, लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी. इसलिए बोल रहे हैं जो एक बार फर्स्ट एपिसोड पे बैठ गया ना देखने के लिए, वो यही बोलने वाला है बॉस सारे एपिसोड फॉलो कर रहे हैं. उस लेवल पे हम लोग शो को लेकर जा रहे हैं. बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने कैरेक्टर के लिए. इन केस इनफैक्ट जब सीन में भी आते हैं ना, तो अगर 10 कैरेक्टर खड़े हैं तो 10 अलग कैरेक्टर्स दिखेंगे. तो ऐसा नहीं दिखेगा अरे नेगेटिव है तो अच्छा उसने भी कर सके, उसने नहीं, हर कोई अलग लेवल का परफॉर्म कर रहा है. यस यस. आपने जैसे बोला देयर टू मैनी न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर, सो इज दैट चैलेंजिंग और लर्निंग फॉर यू? इट्स लर्निंग फॉर मी बिकॉज मैंने क्रोमा पे कभी शूट नहीं किया था. मेरा फर्स्ट रिएक्शन था सर सेट का है, मुझे फील कैसे आएगा, मैं कैरेक्टर में कैसे रहूंगी. तो ये क्या होता है, तुमको अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बनानी पड़ेगी इस शो के लिए, बिकॉज काफी कुछ तुम्हारे हाथों में नहीं होगा लेकिन तुमको फील करना होगा, वो रिएक्शन रखने होंगे कि वो चीज़ तुम्हारे हाथों में है. तो फर्स्ट डे टाइम लगा रहे थे टाइम, बिकॉज कुछ नहीं आता मेरे लिए. ऑफकोर्स फैजल और तोरण शूट कर चुके थे तो उनको एक्सपीरियंस था. मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस दो, मुझे यहाँ से थोड़ा सा हल्का करो, मैं परफॉर्म कैसे करूँगी. लेकिन यस, उस दिन फर्स्ट डे बड़े टेक हुए बिकॉज आप कैरेक्टर के अंदर नहीं घुस पा रहे हो. फर्स्ट डे था, लर्निंग था, बट यस समझ में आ गया कि डायरेक्टर क्या चाहता है. प्लस इतने डीप तक ब्रीफ किया गया था कि आपको पता था कि आपको इस कैरेक्टर को किस लेवल पे लेके जाना है. To play a mother for a 2, how was your experience? Why you said yes? Because to play a such a character in a such a age. हाँ, इसका मैं काट ही नहीं पे. ये दो बच्चों की माँ नहीं है. या इसके हजार बच्चे. ठीक है. वो कैरेक्टर एक है, पहली बात तो माइथो में there is no age. या अभी जो मैं प्ले कर रही हूँ ये हजार साल की रानी महारानी कदम. या उसकी अपनी ही एम ऐसे थे. प्लस जहाँ पे आपको ऐसा लगता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस हो वहाँ पे एज क्या, यस राइट और रॉन्ग. जब मुझे पता है कि मुझे ये प्ले करना है, मुझे उस लेवल तक लेके जाना है कि जहाँ पे लोग मेरी मिसाल लेते हैं, वो डेविल चाहिए. मुझे वो करना था एंड वो बहुत जोर से क्लिक हुआ. जब वो जोर से आई है बहुत जोर से कैरेक्टर को अपने तरीके से करना. तो मैं बहुत कुछ अपना इनपुट डाल रही हूँ. बहुत मेहनत की है मैंने, मैं सच्ची बोलूँगी यहाँ पर लॉन्ग टाइम मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की शो के लिए. मुझे पता है उस लेवल तक जाके की है कि मतलब मैं खुद सीन कट होने के बाद 10 सेकंड तक मैं ऐसी हो जाती हूँ, जो चक्कर आते हैं मुझे सर बोलती है सर चक्कर आ रहे हैं. सीन में इतना घुसना होता है, मतलब जब हम लोग सीन में घुसते हैं तो फिर मुझे कोई नहीं सामने नहीं दिखाई देता मैं क्या करने वाली हूँ, किस लाइन पर मैं क्या करती हूँ. डायरेक्टर समझा के छोड़ देंगे, हाँ जी हाँ जी सर. जहाँ मुझे फील हुआ, तब कभी काफ़ी बार तो विंता जैसे खड़ी में एकदम से सब से आ जाती थी, हमें ऐसे जाती है मैंने बताया नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था, हो गया बस. क्योंकि मुझे वो चाहिए, वो डेविल, वो मतलब ऐसा दिखना चाहिए कैरेक्टर. मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ. या सो पारुल, जब बात किया जाए ना प्लेइंग द अंगद की माँ, सो क्या बोलना चाहोगे? जब अंगद ने जब आपको पता कि अंगद ही आपके बेटे बनेंगे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया था कि ये एक ऐसी रानी है जो हजार नागों की माँ है, उसमें कोई भी आ सकता. अभी अगर मैं एज का डिफरेंस रखूंगी कि नहीं, अगर ये खुद हजार साल की, तो ऑफकोर्स इसके बच्चे तो बड़े होंगे ही. और जब आप एज ए एक्टर इतना सॉलिड रोल कर रहे हो, वहाँ पे आपके आस पास कुछ दिखता ही नहीं है, कौन आने वाला है मेरे काम.
अंगद के लिए तो ऐसा था, मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरा हर अंगद आ रहा है। और हम लोग फर्स्ट डे जैसे सेट पे मिले, बाप रे, पूरा रिहर्सल रिहर्सल छोड़ के हम अपनी माँ ऐसे करके सब ऐसे कर रहे हैं, अपनी बातें करने लग गए, फिर तेलो चढ़ाने लग गए मुझे, फिर सबको मारूंगी। प्रशांत से भी मिले तो मैंने कहा सर मामा चिढ़ाते रहते हैं मुझे जब देखो तब। उन्होंने भी बोला कि आपको सब चिढ़ाते हैं माँ के नाम, बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं इतने हैवी कॉस्ट्यूम पहनना फॉर अ होल डे कितना डिफिकल्ट है फॉर यू? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। नॉर्मल हमारे लहंगे या फिर साड़ियाँ होती थी, ज्वेलरी होती थी नॉर्मल, बट जो कैरेक्टर है, और जब ज्वेलरी मैंने देखा था एक बार के लिए लगा था ओ मेरी क्या हालत होने वाली है, बिकॉज पूरा दिन वो ज्वेलरी पहन के रखना 12 घंटे 13 घंटे, एंड जब देखा मैंने मैं कैसी दिख रही हूँ, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये उस कैरेक्टर के लिए 4 चांद है। इनफैक्ट एक्टिंग का थोड़ा बहुत इधर भी उधर हो जाए ना, लेकिन वो ऑरा ही उसका इतना स्ट्रांग बन चुका है ना, स्क्रीन पे आते ही अपना छाप छोड़ के जाता है। बिल्कुल एक ऐसे शो के साथ वापस आ रही हूँ जहाँ पे आप लोगों ने मुझे इस कैरेक्टर में कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस डेविल को भी प्यार करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं हूँ पारुली चौहान, आप लोगों की चाहती हूँ मैं, जो ये कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को प्यार करें, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, गरुड़ को प्यार करें। एंड सोनी सर एक बहुत डिफरेंट शो लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे एक छोटे से बच्चे से लेकर एक एजेड फैमिलीज सब साथ में मिल के शो देख सकते हैं, और ऐसा शो जो टीवी पे आया ही नहीं, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो वही बोलते हैं कि ना एक्टर को लालच होता है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, बोलूंगी बहुत बहुत प्यार दिया है, लेकिन अभी कदरू को भी आपके प्यार की जरूरत है, प्यार कर लेना प्लीज। हाँ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।